नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इन 18। मैं हूं आपके साथ प्रियांश लाजरस। आइए एक नजर डालते हैं सुबह की ताजा खबरों पर। रायपुर में कई जगहों पर ईडी की रेड, आईएएस अनबलगन पी के घर में छापा, अशोका टावर ऐश्वर्या किंगडम के ठिकानों पर भी कार्यवाही। छत्तीसगढ़ में शाम तक इलाज करेंगे डॉक्टर, मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक का समय तय। बीजेपी को रायपुर में मिला है 1 से अधिक प्लॉट, हाईकोर्ट में कांग्रेस का जवाब, राजनीतिक पार्टियों में सस्ती जमीन देने, मोदी सरकार ने भी बनाई है नीति। महाराष्ट्र के नासिक में भीषण हादसा, बस और ट्रक की आमने सामने टक्कर, 10 की मौत। सुकेश ने एलजी को फिर लिखा पत्र, केजरीवाल और जैन पर लगाया मानसिक प्रताड़ना का आरोप। हिमाचल के पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह घरेलू हिंसा मामले में आज अदालत में होंगे पेश। WHO ने कहा संक्रमण बढ़ रहा, यात्रा के समय मास्क पहने, भारत में कोवोवैक्स बूस्टर डोज को मंजूरी मिली। राशिद खान ने दिया ऑस्ट्रेलिया को जवाब, BBL से हटने की धमकी दी। उतार चढ़ाव भरे कारोबार में सेंसेक्स 147 अंक टूटा, बैंक शेयरों में आई गिरावट। किली पॉल हुए भोजपुरी गानों के फैन, किया जबरदस्त डांस, फैंस बोले पवन सिंह को कर दिया फेल। ऐसी ही तमाम जानकारियों से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज इन 18।